क्लास में हमेशा दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहले टिपिकल बैक बेंचर्स, जो हर गम में खुशी ढूंढी लेते हैं, और दूसरे स्कॉलर फ्रंट बेंचर्स, जिनको खुशी में भी बस गम ही गम है। पर 90% और 25% के बीच एक बहुत बड़ी दुनिया है हम एवरेज स्टूडेंट्स की, जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें खुश होना है या दुखी होना है। सही है यार सिमरन, इंग्लिश 65 इज गुड ओनली। मुझे देख इस बार 90 आया है, इस बार ना मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसके लिए तुझे पता मुझे इतना सर दुख रहा था। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा, एक नंबर की झूठी, रात रात भर आयोडेक्स खा के पढ़ती रहती है। हाँ पर तू टेंशन मत ले, तुझे भी कौन सी सीईओ टाइप वाली चीज करनी है ना, मुझे सीए बनना है, मेरी मम्मी मुझे बोल रही है। पर मेरे भी तो सपने हैं ना, बस क्या सपने वो फिगर आउट करना है। अच्छा विदुषी का तो ये फर्स्ट ईयर है ना, तो इंटर्नशिप। अच्छा, अरे वाह बढ़िया है ये तो। सिमरन अरे उसके मार्क्स तो कुछ खास आए नहीं है, घर पे तो ट्यूशन दे ही सकती है वो। बड़ी टेंशन लगी हुई है उसकी, कहाँ जाएगी क्या पता कब क्या करेगी। पॉकेट मनी तो ढंग से देती नहीं है, लेकिन रोज रियलिटी चेक दे देती है, पूछती रहती है कि आगे का क्या प्लान है। अरे नहीं पता तो नहीं पता, मुझे ना हमेशा से ही पता था मुझे सीए बनना है। वो बचपन में पता चल जाता है यार, अंदर से वो आवाज आती है, तुझे नहीं आया कभी? पूरा खानदान सीए से भरा हुआ है, घंटा ऐसे कोई ओरिजिनल आइडिया आएगा, अंदर से आवाज आ जाती है। तुझे पता ना मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, तो अब मैंने आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू किया है। ये स्केच तभी बनाया था। इसमें बिल्डिंग का है वो सड़क के ऊपर। सड़क का है बिल्डिंग के नीचे। आई नो भी इतनी अच्छी नहीं है, पर टाइम के साथ साथ ठीक होगा। एडिसन भी तो कितना फेल हुआ था ना, तब बनाया था ना फिर उसने कंप्यूटर। सुन आर्किटेक्चर के लिए ना 90+ चाहिए रहता है, और अगर तेरी ड्राइंग अच्छी भी होती तो। अब टाइम आ गया है कुछ अबव एवरेज कर दिखाने का। अब राजू रस्तोगी से चतुर रामलिंगम बनने की जर्नी शुरू। अब हर दिन पढ़ाई से स्टार्ट होगा, दिन भर बस बुक्स बुक्स और बुक्स। बेटा दूध। माँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी दूध। अरे लेकर आ दूध नीचे से। और रात को सोने से पहले के ड्रामा की जगह संदीप महेश्वरी और अंकुर वारी को। चल सिमरन चल, दिखा दे सबको तू क्या चीज है। मैम मैम सप्लीमेंट, मैम मैम सप्लीमेंट, मैम। तो इतने अच्छे मार्क्स लाऊंगी कि मम्मी खुद बादाम पिस्ते वाला दूध लेकर आएंगी, देख लेना। यार सिमरन मेरे सिर्फ 95 आया है, तुझे पता मैं बीमार नहीं होती ना, मैं वे बेटर करती। झूठी, तुझे बस 95 आए, तू ठीक तो है ना, एम्बुलेंस बुलाओ। तू इतनी खुश क्यों लग रही है, तेरे कितने आए? आपको क्या लगा सीधा 90? ये भी मस्त है। First benchers, they seem like they know what they want. Last benchers seem like they know what they don't want. But इन लोगों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि सबको पहले से सब कुछ नहीं पता होता, मेहनत करके सब फिगर आउट हो जाता है। मैम आधा मार्क कम है,